कल देर रात लोकसभा में एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ। आपकी तालियों की आवाज से मुझे लग रहा है कि आप भी कल देर रात तक टीवी देखने के लिए बैठे थे। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण पर मोहर लगाकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूत करने का काम किया गया है। हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिले, अन्याय की भावना खत्म हो, गरीब भले ही वो किसी भी क्षेत्र का हो उसे विकास का पूरा लाभ मिले, अवसरों में प्राथमिकता मिले, इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी आपके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। भाइयों और बहनों, कितने झूठ फैलाए जाते हैं, कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है। कल के पार्लियामेंट के हमारे एक निर्णय से, और मैं आशा करता हूं जैसे बहुत ही तंदुरुस्त वातावरण में कल लोकसभा में चर्चा हुई, देर रात तक चर्चा हुई और करीब करीब सर्वसहमति से, कुछ लोग रहे जिन्होंने विरोध किया लेकिन उसके बावजूद भी संविधान के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय कल लोकसभा ने किया। मैं आशा करता हूं आज राज्यसभा में, विशेष रूप से एक दिन के लिए राज्यसभा का समय बढ़ाया गया है, राज्यसभा में भी हमारे जितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं वे भी इन जन भावनाओं का आदर करते हुए समाज की एकता और अखंडता को बल देने के लिए, सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अवश्य सकारात्मक चर्चा भी करेंगे और कल की तरह ही सुखद निर्णय भी तुरंत हो जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे देश में ऐसा झूठ फैलाया जाता था और कुछ लोग आरक्षण के नाम पर दलितों को जो मिला है उसमें से कुछ निकालना चाहते थे, आदिवासियों को मिला है उसमें से कुछ निकालना चाहते थे, ओबीसी को जो मिला है उसमें से कुछ निकालना चाहते थे और वोट बैंक की माइनॉरिटी की राजनीति करने पर तुले हुए थे। हमने दिखा दिया जो दलितों को मिलता है उसमें से कोई कुछ नहीं ले सकता है, जो आदिवासियों को मिलता है उसमें से कोई कुछ नहीं ले सकता है, जो ओबीसी को मिलता है उसमें से कोई कुछ नहीं ले सकता है, ये अतिरिक्त 10% दे करके हम सबको न्याय देने की दिशा में काम किया है।